स्कूलों में एनसीईआरटी पैटर्न लागू किए जाने के बाद एक कार्यशाला का आयोजन तुलसीदास इंटर कॉलेज के सभाकक्ष में किया गया, जिसमें सरकार द्वारा सभी स्कूलों में एक समान शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से लागू किए गए एनसीईआरटी पैटर्न की बारीकियों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में तुलसीदास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद मिश्रा, अभिनंदन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अभिषेक सिंह, प्रवक्ता वालेंदु शुक्ला, अशोक कुमार मिश्रा, राम उजागिर पांडे मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीडीएम के प्रिंसिपल अरविंद मिश्रा ने कहा, ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो लागू किया गया है उसके संबंध में इस पाठ्यक्रम को विभाजन किस तरह से करना है बताओ, और डिस्कशन करने के बाद जो निचोड़ निकलेगा उस निचोड़ पर हम पूरे इसको किस तरह और जिससे परीक्षा फल और उत्तम हो सके, तो उसके संबंध में हमारा विद्यालय जो है नोडल केंद्र बनाया गया है और हमारे नोडल अधिकारी बालरंग शुक्ला जी बनाए, तो इन सभी लोगों ने डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद ये डिस्कशन संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के निर्देश के क्रम में शासन की मंशा के अनुरूप ये हम लोगों ने यहाँ पे कार्यशाला की बैठक की। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा एनसीईआरटी का ही रहेगा और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से ही हमारे पूरे गोरखपुर जनपद में पढ़ाई की जाएगी। जो हम लोग अदर्स बुक्स का इस्तेमाल करते थे वो अदर्स बुक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो पढ़ाएंगे वो अपनी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाएंगे और हम अपने नोट्स जो बनाएंगे जो शिक्षक है वह नोट्स बनाएंगे, वह नोट्स बना के विद्यालय को बांटेंगे और विद्यालय जो है उसी के अनुरूप काम करेगा। एनसीईआरटी का बुक मार्केट में आ गया है? हाँ, एनसीईआरटी बुक्स माध्यम आ गया है, पूरी बुक्स आ गई हैं और सभी बच्चे खरीद कर पढ़ रहे हैं उसको।